लक्ष्मी नारायण मंदिर में निर्माण से जुड़े मसले में रोजाना नए मोड़ आ रहे हैं। पहले एसडीएम शिवानी गर्ग के साथ राजस्व ने यहां अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन अगले दो दिन के बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया। घोर आश्चर्य की बात तो यह रही कि प्रशासनिक मशीनरी ने इसके बाद निर्माण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक बार फिर एसडीएम ने जारी निर्माण को लेकर हैरत जारी करते हुए इसे दलबल के साथ हटाने की हुंकार भरी है। इसके साथ ही एसडीएम का चौंका देने वाला बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि तहसीलदार निर्माण से जुड़े मसले पर बराबरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। यदि निर्माण की मॉनिटरिंग की जा रही थी तो उसी समय ही अवैध निर्माण पर जेसीबी आखिर क्यों नहीं चलाई गई? यह सवाल तहसीलदार की भूमिका पर संदेह खड़ा कर रहा है। मंदिर की जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बाद में यह मसला कोर्ट में भी पहुंच गया। मंदिर से जुड़े पुजारियों को किनारे किए जाने के बाद महंत बैजनाथ महाराज ने इस मामले में राजस्व अमले पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगे जाने का आरोप भी लगाया था, लेकिन बाद में यह मसला ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि मीडिया में यह मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में प्रशासन अब दल बल के साथ हो रहे निर्माण पर जेसीबी चलाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत में यह कार्रवाई अब यहाँ होगी इस पर संयस की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, आपके पास कोई वसीयत वगैरह है? वसीयत तो गुरु महाराज ने हमारे नाम पर आरोप लगाई थी। अच्छा, ठीक है, अभी हम शाम को आएंगे, है ना? अभी हम खाना खाने जा रहे थे, मुझे नहीं है। हम जाएंगे शाम को, हम देखेंगे अभी कितना बना लिया, काम कितना कर लिया हमने। पिलर बन चुके हैं, पूरे पिलर बन गए, दीवार बन गई है। चलो आज हम आते हैं शाम 6 बजे। नहीं, जैसा कि आपको भी मालूम है, हम लोगों ने जाके खुद ही मंदिर जो अवैध निर्माण किया जा रहा था शासकीय भूमि पर, उस दिन तोड़ा गया था। उसके बाद भी तहसीलदार के द्वारा कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग की गई है, किंतु कुछ अन्य कारणों में व्यस्त हो जाने के कारण ऐसा हुआ है कि कई बार रात में उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया है। आज पुनः जाकर शाम को 6 बजे देखा जाएगा, अगर उनके द्वारा शासकीय भूमि पर अगर कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको पुनः गिराया जाएगा। लगातार अतिक्रमण की भी कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ, लेकिन जो मंदिर से बगल में जो गली हुई है, मंदिर वाली गली है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बाहर भी कोई जो अवैध निर्माण खड़े हुए हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं, कार्यवाही चालू है अभी। वर्तमान की प्राथमिकता ये है कि शासकीय भूमि पे जो मंदिर के नज़दीक है उस पर जो अतिक्रमण है उसको रोका जाए। अगर निर्माण मिला है उसको योजना बनाई जाएगी, क्योंकि बिना हम फोर्स के नहीं तोड़ सकते, उसके लिए एसपी महोदय को भी अवगत कराया जाएगा। उसके बाद योजना अनुसार कल परसों या जो भी हमको बल जिस समय उपलब्ध होगा उसके बाद वो तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, उसके ऊपर क्या आपने कोई उस पर आदेश किया है या कोई संज्ञान में लिया है? बिल्कुल नहीं, नगरपालिका क्षेत्र में जो भी अगर पेड़ वगैरह की कटाई की जाती है उसको काटने का अधिकार या फिर उसकी अनुमति देने का अधिकार केवल कलेक्टर के पास होता है, तो ये मामला कलेक्टर महोदय ने खुद अपने संज्ञान में लिया था और वो कार्रवाई प्रचलित है।